मैं खड़ी चले जाए उसके बाद बैक कैमरे से आप लोग को दिखा के। ये देखो मालगाड़ी जा रही है और मंदिर है देखो सामने लाइन पार्क मंदिर। इधर हमारा मोहल्ला है तो मैं अर्पित महक को ट्यूशन छोड़ के आई, 4 बज रहा, 3 बजे आज नहीं आ पाई, सब्जी लेने गई थी स्कूल से ला के वो लोग को सब्जी लेने के चली गई। तो अब वो लोग को ट्यूशन छोड़ी, फिर 5:30 बजे लेने जाऊंगी और कथा 6 बजे बंद होता है। पीछे के साइड हो रहा श्री भागवत, आप लोग को चलो श्री भागवत।
के दौड़ के चला आता है। तुम्हारे चित्त में भी कथा के लिए जगह ही नहीं भरी, भले बात के बिहारी ला लेती जय। ये कथा तो साल में एक बार होती है यहाँ, पर उसमें जब समय देखते हैं कि तो विश्राम के घर में का माइक चालू ही नहीं हुआ। 3 बजे बैठ जाता हूँ, 6 बजे जो है कथा जहाँ पे वही नमस्ते करके आरती से ऊपर लूंगा, भले बात के बिहारी ला लेती जय। इसलिए समय की कदर करना सीखो, जिसने समय को जाना समय उसकी पहचान बना देता है। देवभूति ने पुत्र के आगे चौकी लगाई, चौकी में बिठाया, सुंदर श्रृंगार किया, पैर में बैठ गई और बेटी के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। बेटी ने कहा, मां क्या कर रही हो? बोले, बस आगे मत बोलो, क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता रखा है। तो बेटा मन पे जरूर आया है, लेकिन तू हमारा बेटा नहीं, तो भगवान है। तो बेटे ने भी जान लिया, जब माँ को मेरी पहचान हो गई, मेरा धर्म है अब अपनी माँ को चिंताओं से मुक्त कर। बोल माँ बताओ क्या बात है? बोले बेटा, जानता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी जी तू जानना चाह रहा है तो मेरी चिंता एक ही है, ये जो मेरा मन है ये मन संतुष्ट नहीं, पर इस मन में द्वंद हो रहा है। भगवान ने तुरंत कहा, बोले मां मन विषय के कारण चिंतित है, इन विषयों को छोड़, इन विषयों का त्याग कर, ये विषय तेरे मन के दुख का कारण है। कौन से विषय? मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दामाई, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा व्यापार। जब तूने मुझे पहचान लिया अब तू सब कुछ भूल जा और मेरी बात को सुन। बोले बेटा सुना क्या करूं? बोले माता, अब तूने मुझे पहचान लिया तो मेरे प्रभु का ध्यान कर, उस परमात्मा का चिंतन कर। तो कपिल ये अपनी माँ को समझा रहे कि सताम प्रशंका मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनं तथा तज्जो किस रूप का चिंतन करना है ये भी जान ले। तो माता को अपने स्वरूप का चिंतन कराया, बोले उस स्वरूप का चिंतन कर परब्रह्म का। बोले कैसा है? बोले संचिन्तये भगवत् चरणारविन्द वज्रांकुशा, उसके हाथ में क्या है? वज्र है, अंकुश है, गले में ओष्ठमणि है, शंख है, चक्र है, पद्म है, कर रहा है। सुबह से क्या क्या खाया? तो
खाया क्या शरीर में कैसे लग रहा है, क्योंकि अग्नि ढोकरी एक अग्नि पुंज जल रहा है जिसको जठराग्नि कहते हैं। अग्नि के कितने रूप है, अग्नि के कई प्रकार के स्वरूप है। एक अग्नि यही यज्ञ की अग्नि वो जब कहते हैं सामग्री को जला देती है, राख बना देती है, वो भी अग्नि है। एक अग्नि उनके सामने कूड़े के ढेर में जलती है, सारे मंदिर का जितना कचरा है वो अग्नि जला रही है, वो भी अग्नि है, वो सारे संसार के कचरे को जला रही है। एक अग्नि तुम्हारे हमारे घर में कच्चे अनाज को पका पका करके हमारे राशन तैयार कर रही है, चूल्हे की अग्नि। एक अग्नि तुम्हारे पके हुए अन्न को भी पका रही है, जठराग्नि जो यहाँ बैठी हुई अंदर, वो अग्नि सामने आ जाए तो तुम उसके सामने बैठ नहीं सकते, इससे भी ज्यादा तेज है, लेकिन उसको हम आज तक समझ नहीं पाए। जितना राशन खा रहे हैं वो सब शरीर में दोष करने के लिए भगवान के अंदर जठराग्नि वो सबको शरीर की इससे अनुसार, कहीं रक्त में, कहीं मज्जा में, कहीं त्वचा में जो शेष बच जाता है पूरा कर मलमूत्र में जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए जानिए वो बाहर नहीं है, बाहर किसी को मिलेगा जिसमें उसको अंदर तरफ से अंतर्मुखी बनिए। बाहर से तो हम संसार को देख रहे हैं, संसार के तीर्थों को देख रहे हैं, तीर्थों के दरबारों को देख रहे हैं, वो तीर्थों का दरबार और तीर्थों का जो पुण्य है वो पुण्य तुम्हारे अंदर है, उस पुण्य को जगाइए। आत्मा है वही आत्मा तुम्हारे अंदर परमात्मा बन करके तुम्हारा हमारा पोषण कर रहा है, वो बाहर नहीं है, पर बाहर भी उसी को मिलता है जिसने अंदर वाले में इसकी पहचान। इसलिए अंतर्मुखी बनिए, इसलिए भगवान के मंदिर में जब जाओ आंख बंद करके उस स्वरूप को पहले देखो जिसका आप दरबार में खड़े हैं। ये नहीं कि आप जाके आंख बंद कर लो, पहले स्वरूप को जानिए, मां सिद्धेश्वरी के स्वरूप को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, बाबा भैरवकाली के स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा और फिर उनके सामने दरबार में बैठ करके नेत्र बंद करके उस स्वरूप को अपने अंत में चित्त में बिठा कर उसका चिंतन करो। तो जो बाहर प्रतिमा के अंदर है वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं है। बाहर में उसी को देखेगा जिसने अंदर से उसने देखने की इच्छा व्यक्त की है। इसलिए मां देवती को कपिल मुनि भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, बोले मां कुछ नहीं है। इन विषयों को जब तक संसार और संसार धर्म में लगा के रखोगे ये विषय कभी समाप्त नहीं होने की, ये आंखें देखने का काम कर रही है, ये आंखें कभी थक नहीं देखते थे, ये कान सुनने के लिए है संसार की सुन सुन करके ये कान थक गए, ये वाणी बोलते बोलते थक गई, ये नाक सुनते सुनते थक गई, ये हाथ कपते कपते थक गई, किसके लिए किया, जिसके लिए किया उसने तुम्हारा पल्ला छोड़ दिया। अंत में पिता को घर में से बाहर कर देते, मां को जिस मां ने सब कुछ किया, जिस पिता ने उसको बाहर करने में देरी मदद की, बलभाग्य के बिहारी लाल की जय हो। इसलिए जानिए देवभूति ने जान लिया और इतना
आरती हो गया। आप रात 3 बजे हम आएंगे।